एटमॉस्फेयर ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर आई हूँ जुमेरा बीच में, द फेमस जुमेरा बीच, जो कि है दुबई के काफ़ी ज़्यादा फेमस बीच में से एक बीच है, जहाँ पे आप लोग को फॉरेनर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और यहाँ की जो स्पेशलिटी है, ज़्यादा करके यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं वो लोग आते हैं चिल करने के लिए, और वीकेंड्स एंड ऑल एंजॉय करने के लिए और सनबाथ लेने के लिए। काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है ये जुमेरा। जब आप आते हो ना, तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐसे लगेगा कि लाइक फॉरेन कंट्रीज़ में, नॉट दुबई नहीं लगेगा आपको, ये कोई US ऑस्ट्रेलिया इस साइड आप आए हो वैसा वाला फील आएगा यहाँ पे जुमेरा आके। तो मुझे भी ऐसी वाला फील आ रहा है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 99% यहाँ पे फॉरेनर्स हैं। इंडियंस लोग तो मुझे हार्डली एक दो मिले बस। तो मेरे सामने है, उस पार आप देख सकते हैं एन दुबई है, द बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील। उसके बाद में आप सनसेट देख सकते हैं, तो वो सनसेट देखने के लिए मैं आई हूँ। काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है देखने के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने के लिए। एंड ये एन दुबई आप देख सकते हैं, वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील है। मुझे वहाँ भी जाना है, आई होप सो जल्दी हो जाएगा वो। बाकी लाइक वीकेंड्स के लिए ये बीच बहुत अच्छा है यहाँ पे दुबई इज़ फेमस फॉर बीच। एक्चुअली आर्टिफिशियल बीच है नो डाउट, और बहुत सारी बीचेस है, तो बेस्ट दुबई के सबसे बेस्ट एंड क्राउडेड बीच में से ये फर्स्ट आता है। तो गाइस, यहीं पे मैं आई हूँ लाइक इवनिंग वॉक के लिए एंड ऑल। सो ट्रैवल मैंने कैसे किया, तो ट्रैवलिंग यहाँ पे करना लाइक 1.5 hours एंड 2 hours का डिस्टेंस आता है। तो ट्रैवल करने के लिए शारजा से मैंने कैच किया गुबेबा का बस। गुबेबा से आपको आना है इब्न बतूता, आपको सॉन्ग याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे इब्न बतूता मॉल है, तो वो बस है गुबेबा स्टेशन से 8 number bus, आपको 8 number bus आपको कैच करना है। और जो मॉल के लास्ट स्टेशन है उससे आपको उतरना है जुमेरा रेजिडेंस टू में आपको उतरना है। और वहाँ से आपको एग्जैक्टली 5 minutes या मैक्सिमम 3 minutes आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे आना है, तो आपको ये प्यारा सा बीच आने को मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पे लाइक जॉगिंग ट्रैक बने हुए हैं और वॉकिंग ट्रैक बने हुए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इवनिंग टाइम में। जो लोकल यहाँ पे लोग रहते हैं, या इवनिंग टाइम में यहाँ पे वॉकिंग करने जॉगिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइक माइंड रिलैक्स होता है। या फिर सारे जो बीचेस हैं ना, बीच साइड में आप आते तो माइंड रिलैक्स ही होता है अभी ब्लू पानी देख के। अभी हो रहा है इवनिंग 5 o'clock, तो मैं बस बैठ के सनसेट का व्यू एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप लोग भी थोड़ा व्यू एंजॉय कर लो।
शाम हो गया है, अराउंड 6:30 हो गया है, तो अभी निकलना पड़ेगा मुझे यहाँ से। बहुत ज़्यादा वॉक भी कर लिया और मज़ा आ गया आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और गाइस ठीक है, ओके, आपको कैसे लगा ये बीच, जुमेरा बीच, कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो गाइस लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन, ईट वेल, स्टे गुड, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।